नमस्कार। वेद व्यास संस्कृत की पुनः संरचना योजना के अधीन आज के इस तीसरे व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस व्याख्यान माला का जो मुख्य विषय है वो है डीकॉलोनाइजिंग सोशल साइंसेज टू रिविजिट इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन, अर्थात भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के पुनरावलोकन के लिए समाज विज्ञानों की औपनिवेशिक मुक्ति। संस्कृत विभाग को ऐसा लगता है कि ये जितने भी समाज विज्ञान के पक्ष रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मास कम्युनिकेशन या अन्य जितने भी विषय हैं, उन विषयों के ऊपर पश्चिम की सोच का, पश्चिम की भाषा का, उसकी टर्मिनोलॉजी और अवधारणों का बहुत गहरा प्रभाव है। और उस दृष्टि से जब आप भारतीय समाज की व्याख्या करने लगते हैं, व्यवहार की व्याख्या करने लगते हैं, तो उसमें कई तरह की विसंगतियां और कई तरह की असंगतताएं दृष्टिगोचर होती हैं और उसे भारतीय समाज में एक विचित्र प्रकार का जो है वो कन्फ्यूजन, अस्पष्टता और विसंगतियां पैदा होती चली गई हैं। क्योंकि होता यही है कि जब आप भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाषा के प्रयोग के पीछे उसका पूरा का पूरा एक इतिहास होता है और वो इतिहास जो है वो आदमी के, व्यक्ति के और समाज के व्यक्तित्व को प्रभावित भी करता है, व्यवहार को भी प्रभावित करता है। तो इस दृष्टि से संस्कृत विभाग को ये लगता है कि इन समाज विज्ञानों को जो पिछले 75-80-100 वर्षों से पढ़ाया जा रहा है और बिना इस बात को ध्यान में दिए कि यहाँ पर भी भारतीयता का एक इतिहास लंबा रहा है, एक पूरी संस्कृति रही है, पूरी विचारधारा रही है, पूरा एक विकसित समाज रहा है, वहां से कुछ अंश जो है समाज विज्ञानों में लगाए जाते, क्योंकि वहां पर समाज विज्ञानों के नाम पर जो कुछ पढ़ाया जाता है भारतीय संदर्भों में वो केवल जाति का संदर्भ लिया जाता है, निंदा के अर्थ में स्त्री का संदर्भ लिया जाता है कि सारी स्त्रियों को जला दिया जाता था और सिर्फ जाति ही थी यहाँ पर, और फिर या तो पाखंड और ब्राह्मणवाद, मनुवाद, इस तरह की जो शब्दावली पिछले कुछ हम सालों में विकसित की गई है जो द्वेष और घृणा के आधार पर ही है और बाकी सब कुछ को निरस्त कर दिया गया, उसके बारे में चर्चा भी कोई नहीं करता। तो ये एक प्रयास है उन्हीं सबको चुनौती देने के लिए और अपना मत स्थापित करने के लिए। तो संस्कृत की जैसे कि एक परंपरा है कि स्वमत मंडन और परमत खंडन, तो ये उसी दिशा के बीच की एक कड़ी है जो आज हम मानवाधिकारों के संदर्भ में लेने जा रहे हैं। इससे पूर्व की मानवाधिकारों के हम विषय में बात करें, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर प्रमोद वाजपेयी जी, जो प्रिंसिपल हैं महाराजा अग्रसेन कॉलेज जगाधरी के, और उनके साथ उनके कॉलेज में काम करने वाले एक बड़े गंभीर इतिहास के शोधकर्ता हैं, अध्यापक हैं, और उनकी वजह से ये श्रेय उनको जाता है क्योंकि उन्होंने एक भी अभी कुछ दिन पहले एक सेमिनार आयोजित किया था, रिविजिटिंग इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर इश्यूज एंड चैलेंजेस। तो उसमें संस्कृत विभाग एसटी कॉलेज को उन्होंने आमंत्रित किया था एक वक्तव्य देने के लिए। तो उस वक्तव्य में जो समझ में आई बात और लगा कि पुनरावृत्ति ना हो, उस दृष्टि से उसमें जो संस्कृत विभाग ने वक्तव्य प्रस्तुत किया था वो डीकॉलोनाइजिंग सोशल साइंसेस टू रिविजिट इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन, तो इस विषय पे प्रस्तुति दी थी और फिर उसमें इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को 24 पॉइंट्स में परिभाषित भी किया था। और जो डीकॉलोनाइजिंग का प्रोसेस है सोशल साइंसेज में, पहले तो सोशल साइंसेज का कॉलोनाइजिंग का अर्थ क्या है, फिर डीकॉलोनाइज कैसे करना है, इस सारे विषय के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई थी। तो इसलिए उन दोनों रुचि विज्ञान ज्ञान में रुचि रखने वाले और गंभीर
विचार करने वाले दोनों विद्वानों के प्रति संस्कृत विभाग अपना आभार व्यक्त करता है कि उनकी वजह से ये एक मौका मिला है कि हमने ये विषय शुरू किए हैं, और इस व्याख्यान माला में अभी आने वाले समय में जितना भी संभव होगा मास कम्युनिकेशन के ऊपर, इंडियन साइकोलॉजी के ऊपर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और अन्य बहुत सारे विषयों को लेकर के हम चर्चा रखेंगे, जिसमें स्वमत मंडन और परमत खंडन की प्रक्रिया को, भारतीय प्रक्रिया को हम अपनाएंगे। हम पश्चिम की तरह जो है वो वितंडावाद का आश्रय नहीं लेंगे, और जो संभव है शास्त्रीय शास्त्र सम्मत जो भी विचार होंगे, प्रारूप होंगे, उनको आपके साथ साझा करेंगे, और आप लोगों के जो असहमतियां हैं, आक्षेप होंगे, उनको हम सहज रूप में स्वीकार भी करेंगे। तो कुल मिलाकर के कहने का भाव ये है कि हम संस्कृत के लोगों को न दैन्यम न पलायनम इस उक्ति को सार्थक करते हुए सोशियोलॉजी को ठीक करना चाहिए था, जो भारतीय समाज के अनुकूल हो, भारतीय परंपरा के अनुकूल हो और भारतीय संदर्भ में और भारतीय शब्दावली में होती। वैसे हम जरूर लेते, लेकिन उसको अपने तरीके से हम उसको स्वीकार करते और उसमें जो भी अपेक्षित परिवर्तन किए जाने चाहिए थे, संशोधन किए जाने चाहिए थे, विशेष रूप से भाषा के संदर्भ में, उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए था। चलिए प्रयास करते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग जो भी हम खंडन मंडन करने जा रहे हैं उससे आप असहमत हों। तो संस्कृत शास्त्रीय क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न ह्यूमन राइट्स, ये आज का हमारा विषय है, पश्चिमी मानवाधिकारों की संस्कृत शास्त्रीय समीक्षा। और इसमें हम अपनी ओर से भी अपना जो हमारा प्रारूप है होना चाहिए वो आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो मूल रूप से आप इस विषय को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये भारतीय लोगो है ह्यूमन राइट्स का, जो हमारा ह्यूमन राइट्स कमीशन है दिल्ली में, उसका ये लोगो है जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः ये रखा गया है, और इस तरह की प्रोटेक्शन जो है वो दी गई है। और कुल मिलाकर के इसमें इक्वालिटी, फ्रीडम और पीस, इस तरह की सारी शब्दावली को हम प्रयोग करते हैं। लेकिन इस सारे विषय को देखने के दो तरीके हैं। अभी तक जो आप सोशल साइंटिस्ट के तौर पे देखते हैं वो ट्रेड बेस्ड लैंग्वेज, फिलॉसफी और कल्चर के आधार पर देखते हैं, और वो उन ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और प्रयोग करते हैं जो कि गुड और स्मार्ट लोग होते हैं। पूरा का पूरा वेस्ट गुड है और स्मार्ट भी है, क्योंकि उन लोगों ने इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया है, इस तरह के नियम बनाए गए हैं, इस तरह के आर्टिकल्स बनाए गए हैं जो कि केवल गुड और स्मार्ट लोग ही बना सकते हैं, जिनकी पृष्ठभूमि जो है वो विशुद्ध रूप से इंडस्ट्री, ट्रेड और टेक्नोलॉजी की रही है। और बेसिकली अगर आप देखें तो लगता भी यही है कि ये जितने भी 30 आर्टिकल्स हैं वो 30 आर्टिकल्स बिजनेसमैन के लिए हैं, क्योंकि उसको फ्रीडम चाहिए कि वो दुनिया भर में कहीं भी जा सके, अपना व्यापार विकसित कर सके। तो उसके लिए ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट, उसके लिए उसकी फिलॉसफी, उसके लिए उसके आर्टिकल्स की बहुत बड़ी उपयोगिता है। अन्यथा जो व्यक्ति कृषि से संबंधित है वो अपनी जमीन छोड़ करके कहाँ जाएगा, और उसके वो आपके ह्यूमन राइट्स का क्या करेगा? केवल उसको तो इतना ही चाहिए कि मेरी जमीन सुरक्षित रहे और मैं जो कुछ अन्न उत्पन्न करूं उसको मैं लोगों के साथ मिल बांट करके खाऊं। लेकिन अब हमने जो एग्रीकल्चर है उसका भी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया है, तो इसलिए ये सारे का सारा एक अद्भुत प्रकार से हमने इन 30 आर्टिकल्स, ह्यूमन राइट्स के 30 आर्टिकल्स को हमने उनको भी इस विषय में लपेट लिया है। लेकिन फिर भी जब भारतीय संस्कृति को आप देखते हैं तो आप नीचे देख पा रहे हैं एग्रीकल्चर बेस्ड लैंग्वेज, फिलोसफी एंड कल्चर। तो भारतीय संस्कृति मूल रूप से जो है वो कृषि संस्कृति है, और तदनुकूल उसकी भाषा भी है, उसी के अनुसार उसका दर्शन और संस्कृति है, जिसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, जिसके आधार पर पूरा आगे का ताना बाना आप लोगों के साथ हम साझा करेंगे। ऋग्वेद है, ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, उसका एक
पोर्शन है, एक भाग है, पुमान पुमांसम परिपातु विश्वतः। लेकिन क्योंकि ऋग्वेद में कहा गया है और भारतीय संदर्भ में कहा गया है, तो हम उसको ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करेंगे, ना उसको हम जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हैं उसके कॉन्सेप्ट में इसको शामिल करेंगे, क्योंकि ये ब्राह्मणवादी शब्द हैं, क्योंकि ये मनुवादी शब्द हैं, ये पिछड़े हुए और पाखंड वाले शब्द हैं, इसलिए हम इसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं, हम क्योंकि बुद्धिजीवी लोग हैं। लेकिन इसका अर्थ मैं बता देता हूं, चाहे आप संस्कृत से कैसा भी भाव संस्कृत के प्रति रखते हो, तो इसका अर्थ ये है, एवरी मैन मस्ट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स टू सर्वाइव। और दूसरा एक और ऋग्वेद का 17वें सूक्त का हम ले लेते हैं, द पी यांश्च पश्यामि यांश्च नतेषु माम सुमतिं कृधि, अर्थात द पीपल आई नो एंड द पीपल हु आर नॉट नोन टू मी दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय माय पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। आपको 30 आर्टिकल्स में और यूएनओ का जो पूरे का पूरा तामझाम है, उसमें क्या ये कहीं पर भावना इस तरह की देखने को मिलती है? और अगर मिलती है तो हम जो भारतीय होने का गर्व करते हैं और भारतीय होने के नाते वहां पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो कभी हमने अपनी संस्कृति के इन शब्दों को लिया या केवल अपनी निंदा को ही अग्रसर किया? तो आगे अपनी बात को बढ़ाने से पहले हम ह्यूमन राइट्स की एक पृष्ठभूमि को सरल रूप से देख लेते हैं और फिर आगे चल करके इस विषय पे और बातचीत करेंगे। कार्टून्स हैं, लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि अमेरिकन और यूरोपियंस जितना ह्यूमन राइट्स का दावा करते हैं, जितना उसका प्रचार प्रसार करते हैं, और वो दो बातों के बीच में सारा का सारा आ जाता है कि एक और आप आर्म्स एंड एम्युनिशन लोगों को सप्लाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, और दूसरी तरफ आप हॉस्पिटल्स और एजुकेशन आदि जो बिजनेस हैं उनकी आप बात करते हैं। इनके बीच में आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक और तालिबान है और दूसरी तरफ जो लड़की है उसको पढ़ने से रोका जाता है और अमेरिका अपने उन्हीं हथियारों को लेकर के आ रहा है जो हथियार उन्होंने तालिबान को दे रखे हैं। बड़ी विचित्र बात लगती है कि चलिए हथियार तो तालिबान या और इस तरह के लोगों के पास आ जाते हैं, लेकिन उनके लिए उनको गोलियां, उनके लिए एम्युनिशन कहाँ से आ रहा है? जिस तरह से आपने अपने कई मीडिया के ऊपर देखा होगा कि जिस तरह से वो खुले अपने जो है वो फायर्स करते हैं, गन फायर करते हैं, तो इसका मतलब है उनके पास किसी भी प्रकार से कमी नहीं है एम्युनिशन की। और ऐसे लोगों के प्रति में जब इस तरह का एक उनको पीछे से आर्म्स और एम्युनिशन मिल रहे हैं, तो ह्यूमन राइट्स का झगड़ा तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उसके बीच में हम ह्यूमन राइट्स को कैसे स्थापित कर पाएंगे, ये एक विचार का विषय है। और इसमें हम ह्यूमन राइट्स का जो अमेरिका और उनके बीच में एग्रीमेंट्स हुए हैं और जिस तरह के वो पीस अकॉर्ड साइन करना चाहते हैं, तो वो कहाँ तक सफल होंगे, ये देखने और सोचने और समझने की बात है। इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी ना करते हुए थोड़ा विषय को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और क्योंकि ये सारा विषय मुख्य रूप से भारतीयों के लिए है, भारतीय जो समाज विज्ञानी अपने को कहते हैं, तो उनसे संस्कृत की दृष्टि से कुछ एक प्रश्न हम रखना चाहते हैं। संस्कृत विभाग उनसे ये प्रश्न पूछना चाहता है, क्या भारतीय शिक्षाविदों एवं बुद्धिजीवियों के पास अपने परिवेश और यथार्थ के अनुकूल मानवाधिकार संबंधी कोई शब्द या अवधारणा है, या पिछले 100 वर्षों में उन्होंने कोई ऐसा शब्द, ऐसी अवधारणा, कोई ऐसा वक्तव्य कोई दिया हो? दूसरा प्रश्न है, क्या भारत के इतिहास में मानवाधिकार संबंधी कोई तथ्य, घटना, स्थिति ऐसी रही जिसे हम विश्व समुदाय के सामने निर्भीक रूप से प्रस्तुत करने में गर्व अनुभव कर सकें? तीसरा प्रश्न है समाज विज्ञानियों से और जो ह्यूमन राइट्स के जो बहुत पुरोधा हैं, भारतीय शिक्षा प्रणाली किसी भी स्तर पर मानवाधिकार की संस्कृति को स्थापित करने में सहायक है? चौथा प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा से किस तरह के मानवीय व्यक्तित्व की हम अपेक्षा करते हैं, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से पहले की जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही है, ये उस संदर्भ में प्रश्न है। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, भारतीयों की बुद्धिवादिता, इंडियन इंटेलेक्चुअलिज्म का
विश्व स्तर पर मानवाधिकार के क्षेत्र में क्या मान्य योगदान है। तो संस्कृत विभाग की ओर से जितने भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और जितने भी सोशल साइंटिस्ट हैं, उनको ये 5 प्रश्न हैं। और जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि संस्कृत विभाग को इस सारे ह्यूमन राइट्स के बारे में पर्याप्त जानकारी है जितनी अभीष्ट है। और 5 भाग हैं ह्यूमन राइट्स के, आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, सिविल राइट्स, और दूसरी तरफ आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इक्वालिटी और फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ETC, ये सारे के सारे उपलब्ध हैं। लेकिन इस सारे के बीच में जो मुख्य समझने वाली बात है वो क्या है कि इंडियंस टुडे आर गवर्न्ड बाय 2 डिफरेंट आइडियोलॉजीज। 1, देयर पॉलिटिकल आइडियल सेट इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अफर्म्स टू लाइफ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। दिस इज पार्ट 1। द सेकेंड आइडियोलॉजी, देयर डिस्टॉर्टेड सोशल प्रैक्टिसेस ड्यू टू वेरियस इन्वेडर्स एंड अदर रीजंस डिनाई देम। तो जो कुछ आप प्रीएम्बल में जिसको आप स्थापित कर रहे हैं, आपके जो सोशल डिस्टॉर्टेड सोशल प्रैक्टिसेस हैं, वो उसको डिनाई कर देते हैं। तो एक तरह के आंतरिक विरोध और विरोधाभासों के बीच में भारतीय समाज चल रहा है। और ह्यूमन राइट्स के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं संस्कृत विभाग, तो उसने ह्यूमन राइट्स को पूरा संस्कृत में अनुवाद किया है। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि पश्चिमी मानवाधिकार का संस्कृत संस्करण जो है उसको अनुवाद किया है, और पूरे का पूरा अनुवाद करने के बाद ही इसके खंडन मंडन और इसका विकल्प जो है वो भारतीय संस्कृति के आधार पर दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये देख सकते हैं कि ये अनुच्छेद जितने भी हैं 17-18 से लेकर के 30वें अनुच्छेद तक सारा का सारा संस्कृत में अनुवाद है। और संस्कृत विभाग का जो संस्कृत विभाग है यूनिवर्सिटीज के, विश्वविद्यालयों के, उनसे ये निवेदन जरूर करना चाहेगा कि इस मानवाधिकारों को आप अपने कोर्सेस में लगाइए और इसके ऊपर जो है जो संस्कृत शास्त्र हैं उनके अनुसार इसका मूल्यांकन करना अपने छात्रों को सिखाएं, ये कोर्स का हिस्सा हो। और उसके उसके समान ही अपना जो संस्कृत शास्त्रीय मानवाधिकार हो सकता है उस प्रारूप को वहां स्थापित करें। तो इससे जो है वो संस्कृत के छात्रों को एक नई दिशा भी मिलेगी, उनका विश्वास भी बढ़ेगा, और वो अपना जो है एक ओपिनियन, अपना विचार इस सारे जो मानवाधिकार के नाम पर एक एजेंडा प्रस्तुत किया जा रहा है उसके ऊपर वो अपनी राय रख सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी आप लोगों से मैं बताना चाहूंगा कि जब संस्कृत विभाग भारतीय संविधान के ऊपर टिप्पणी करता है तो भारतीय संविधान को भी उसने संस्कृत में उसका अनुवाद किया हुआ है। जैसे कि मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूंगा कि इसका जो प्रीएम्बल है, उस प्रीएम्बल, उसके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। भारतीय संविधानम, इसकी प्रस्तावना, और प्रस्तावना के बाद जो है मूलाधिकार रहा, और फिर उसके बाद जो सारे के सारे इसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो सारा हमने इसमें दे रखा है। तो इसलिए ऐसा आप मत सोचिएगा कि हम लोगों ने या संस्कृत विभाग ने इसको बिना पढ़े जो है वो कोई टिप्पणी कर रहा है। चलिए वापस अपने विषय पे लौटते हैं। तो ये 2 आइडियोलॉजीज के बारे में हमने बात की थी कि ये अंतर विरोध आप देख पाते हैं। सारे के सारे मानवाधिकार जो हैं उसके 2 पक्ष हैं। एक और तो मानवाधिकार की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके 2 पक्ष हैं। एक तो जो ग्रीक कल्चर से है जहां पर अचीवमेंट्स को बड़ा कुछ माना गया है, जैसा कि उनकी माइथोलॉजी ये बात स्पष्ट करती है कि वहां के जो गॉड्स हैं उनसे आपको चीजें छीन करके लानी पड़ती हैं, जिसमें
बहुत सारे लोग माइथोलॉजी के जितने भी नाम हैं वो आप समझ सकते हैं कि कभी आग आपको छीन के लानी पड़ती है, देवताओं से चुरा के लानी पड़ती है, और कभी कुछ आपको लेकर के आना पड़ता है। दूसरी तरफ जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं जिसमें डिसिप्लिन और कमांडमेंट्स का बहुत अधिक प्रभाव है, उसको आप जो है वो इसके सीमा को परिभाषित करता है। तो ग्रीक कल्चर और अब्राहमिक रिलीजन्स जो हैं वो इस सारी व्यवस्था को ह्यूमन राइट्स की पृष्ठभूमि की परिसीमा बनाते हैं। अब इसके बीच में ह्यूमन राइट्स की बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वेस्ट में जब रेनेसां के दौरान डार्विन, फ्रायड और मार्क्स ये लोग उस सारे परिदृश्य में उभर कर आते हैं और सारी की सारी सोच को प्रभावित करते हैं, और उससे जो है वो सोशल साइंसेस विकसित होती हैं, और सोशल साइंसेस से आकर के सोशल साइंसेस और फिलोसफी में जब वो ही मैन की बातें करते हैं और गॉड इज डेड सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज कम टू द मैन टू हैंडल एवरीथिंग, तो ऐसी जब स्थितियां वहां पैदा होती हैं तो युद्ध पैदा होते हैं, और युद्धों में फिर ह्यूमन राइट्स, युद्धों की विभीषिका से ह्यूमन राइट्स पैदा होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ह्यूमन राइट से वेलबींग हम कर पा रहे हैं 7.5 बिलियन लोगों का? तो इस वेलबींग हैपनिंग कुल मिलाकर के ये एक प्रश्न है। दूसरी तरफ आप अगर ये देखते हैं कि इंडियन पर्सपेक्टिव, भारतीय दृष्टिकोण जिसमें दर्शन महत्वपूर्ण है, वो केवल आपको ये सिखाता है कि हाउ यू लुक एट पीपल सिचुएशंस ईटीसी, घटनाओं को देखना कैसे है, सारा का सारा जोर इस बात के ऊपर है। इसीलिए भारतीय जो है वो दर्शन देखने का तरीके सिखाता है, और जैसे आप देखते हैं वैसा ही आपका व्यवहार बन जाता है। अगर उसमें प्रतिक्रिया है तो आप वॉयलेंस करेंगे, अगर आप उसमें प्रतिसंवेदन करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आप जो है वो हाँ संस्कृति को विकसित करते हैं। तो प्रतिसंवेदन और प्रतिक्रिया, इन दो के बीच में अंतर करना आप भारतीय संस्कृति से सीखते हैं, और जो प्रतिक्रिया है वो अधर्म है और जो प्रतिसंवेदन है वही धर्म है। तो इसलिए विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों और मनुष्यों के प्रति आप अलग अलग प्रकार का व्यवहार देखते हैं। ये बात मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कराया हूं कि पुमान पुमानसम परिपातु विश्वतः और यांश्च पश्यामि यांश्च न तेषु माम सुमतिम कृधि। तो ये पर्सपेक्टिव है भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में मानवाधिकार का, ये आधार भूमि बनती है, ये अंतरधारा है। लेकिन अपनी बात स्थापित करने से पहले एक बार फिर हम उस विषय को समझने का प्रयास करें कि भारतीय मानवाधिकार के संदर्भ में मनुष्य जाति के समक्ष दो ही स्पष्ट गंभीर एवं व्यापक समस्याएं हैं। संस्कृत विभाग इसको इस तरह से देखता है, वही आपके साथ साझा कर रहा हूं। पहला है शुभता की, गुडनेस की, अच्छाई की घोर कमी, और दूसरी समस्या है शुभता को व्यवस्थित करने के लिए किसी सटीक पद्धति, नीति या स्ट्रेटेजी का अभाव। तो मानवाधिकार की बात जो है वो ये समस्याओं से ग्रसित है, संस्कृत विभाग का ऐसा दृष्टिकोण है, ऐसा देखने का तरीका है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि मानवाधिकार की संस्कृति आधुनिकता के तर्क पर आधारित आर्थिक दर्शन के प्रति मोह भंग की अभिव्यक्ति है, क्योंकि भोग, यानी कि ये बिल्कुल एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस अवधारणा को समझें, वेस्ट में ये आपको नहीं मिलेगी, अपने लिए अधिक से अधिक उपभोग की वस्तुओं को एकत्रित करना, और प्रभुता, अपने उपभोग के लिए एकत्रित सामग्री से दूसरों पर श्रेष्ठता स्थापित कर दूसरों को ईर्ष्या का भाव देना। तो भोग और प्रभुता, ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी को चलाते हैं। जो हम एडम स्मिथ और कीन्स की इकोनॉमिक्स पढ़ते थे वो बहुत पीछे छूट गई। ये दो संस्कृत की दृष्टि से ये दो कॉन्सेप्ट हैं, दो अवधारणाएं हैं जो आज की इकोनॉमिक्स, पोलिटिकल साइंस और आपके बाकी सोशल साइंसेस को चलाते हैं। तो इसके पर आधारित कोई भी व्यवस्था न्यायपूर्ण और स्वस्थ समाज को स्थापित नहीं कर सकी और ना ही कर सकती है। तो ऐसे में मानवाधिकार की संस्कृति कैसे विकसित होगी, ये संस्कृत विभाग का मूलभूत प्रश्न है। और तो और,
संस्कृत विभाग का ये भी दृष्टिकोण है, ये समझ है उसकी कि पश्चिमी इतिहास से स्पष्ट होता है कि वहां होने वाली सभी क्रांतियां राज परिवारों से व्यापारी वर्ग को शक्ति का हस्तांतरण मात्र था। जितना भी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, रशियन रेवोल्यूशन हुआ और जितने रेवोल्यूशन की बातें हम करते हैं, तो उन क्रांतियों के बारे में संस्कृत विभाग का ये दृष्टिकोण है कि ये क्रांतियां न न्याय के लिए थी न ही समानता के लिए। इसलिए मानवाधिकार की बात चाहे कितने ही तर्क से प्रचार से की जाए, उसकी मूल धारा में विकृति रहेगी ही। पूंजीवाद या समाजवाद दोनों चाहे जितना भी मानवाधिकार का प्रचार करें, परंतु उन दोनों का पदार्थवाद ही मनुष्य की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, तो मानवाधिकार की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगेंगे ही। अतः भारतीय होने के कारण और भारतीय में भी संस्कृत विषय से संबंधित होने के कारण हमें सभी मानवाधिकार की समस्याओं का आधुनिकता के नेतृत्व और उनके विषय विशेषज्ञों से स्वतंत्र होकर अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा और बुद्धि के बल पर समाधान खोजने का प्रयत्न करना चाहिए। आप सभी सोशल साइंटिस्ट से, समाज विज्ञानियों से यही संस्कृत विभाग का आग्रह है, निवेदन है। मानवाधिकार के संबंध में क्या नीति अभीष्ट है और कैसे मानवाधिकार के संबंध संदर्भ में न्याय पर आधारित समानता और स्वस्थ समाज कैसे विकसित हो, यही चर्चा का केंद्र बिंदु है। चलिए कुछ चीजें आपको दिखाते हैं कि जो पश्चिम में मानवाधिकार की बातें हुई वो आई कहां से और क्यों आई। जनरल जो ईशन हॉवर हैं, वो उन्होंने जो फोटोग्राफ्स करवाए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उससे मैं कुछ परिचय कराना चाहता हूँ, उस पृष्ठभूमि को आपसे परिचित कराना चाहता हूँ। बिकॉज ही गेव द ऑर्डर टू मेक एस मैनी फिल्म्स एंड फोटोग्राफ्स। अब देखिए जो होलोकास्ट हुआ, जहां पर ज्यूस मारे गए और लोग मारे गए, ये उस वहां पर है। दैट टुक प्लेस एग्जैक्टली एज प्लान्ड बाय द नाजीज नियरली 80 इयर्स अगो। It is a historical fact that Supreme Commander of Allied Forces, General Ishan Hover, found the victims of the concentration camps, ordered to have as many photographs taken, and had the German population of the surrounding cities taken to the concentration camps to see the horror. You can watch it, you can see it. ये पृष्ठभूमि है जो जिसे आप human rights कहते हैं। तो जो स्वस्थता से पैदा ही नहीं हुई, स्वस्थता से जिसका आविर्भाव ही नहीं हुआ, वो आगे स्वस्थता से कैसे कैसे स्वस्थ समाज को विकसित कर पाएंगे। एंड द रीजन फॉर दिस ही एक्सप्लेन्ड इट दिस वे, टू कलेक्ट एस मच प्रूफ्स फिल्म्स टेस्टिमनीज, बिकॉज द डे विल कम व्हेन सम सन ऑफ ए बिच, बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन है अंग्रेजी के ये, और लिटरेरी एक्सप्रेशन इनको माना जाता है, विल से दैट दिस नेवर हैपेंड। All that is needed for evil to succeed is that decent human beings do nothing. अब और देखिए, और United Kingdom जो कि human rights का बहुत बड़ा पुरोधा है, recently the United Kingdom erased the Holocaust from the British school curriculum because it offended the Muslim population beliefs that the Holocaust never took place. Yes, the United Kingdom. More than 80 years have passed since the end of World War II. This PPT is a reminder for all humanity in memory of 6 million Jews, 20 million Russians, 10 million Christians murdered, slaughtered, raped, burned, humiliated. In the meantime, Germany and Russia had other priorities. So, never forget ever. The purpose of this PPT is to understand why human rights. Is it because of the agrarian culture or industrial compulsions? These are the foundations of human rights thought in the West. Philosophy of human rights emerged from this human behavior, and now they teach human rights to third world, including India. And moreover, in the world of competitive business and trade, who can guarantee human rights? Who can guarantee human rights? तो ये पूरा एक संदर्भ था जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया
आपके जो यूएनओ के ह्यूमन राइट्स को बनाने की, अपने मनुष्यता को शर्म से बचाने के लिए पश्चिमी देशों को अपने इस शर्मनाक हरकत के बचने के लिए ह्यूमन राइट्स की आवश्यकता पड़ी। अतः भारतीय होने के नाते हमें सभी मानवाधिकार की समस्याओं का आधुनिकता के नेतृत्व और उनके विषय विशेषज्ञों से स्वतंत्र होकर अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा और बुद्धि के बल पर समाधान खोजने का प्रयत्न करना चाहिए। ये बात मैं दोबारा दोहरा रहा क्योंकि भारतीय संदर्भ में मानवाधिकार का संबंध व्यक्ति और समाज के अधिकारों और कर्तव्यों के से एक साथ जुड़ा हुआ है। भारतीय परंपरा में अधिकार का संबंध स्वामित्व से है और स्वामित्व के प्रति सुरक्षा और सम्मान की भावना से है। इस परंपरा में दो शब्दों का प्रयोग अत्यंत सघनता से पूरे कालक्रम में दिखाई देता है, एक है नीति और दूसरा है न्याय। इन दो शब्दों को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर अमर्त्य सेन कहते हैं, द फॉर्मर आइडिया दैट ऑफ नीति रिलेट्स टू ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टी एज वेल एज बिहेवियरल करेक्टनेस, वेयर एज द लेटर न्याय इज कंसर्न्ड विद व्हाट इमर्जेस एंड हाउ इन द पर्टिकुलर लाइफ्स दैट पीपल आर एक्चुअली एबल टू लीड। यही दो शब्द भारतीय संविधान के उत्तरदायित्व को भी स्पष्ट करते हैं कि मानवाधिकार के संबंध में क्या नीति अभीष्ट है और कैसे मानवाधिकार के संदर्भ में न्याय पर आधारित समानता और स्वस्थ समाज विकसित हो, यही केंद्र बिंदु है। तो कुल मिलाकर के वो संस्कृत जिसको लेकर के एक नैरेटिव 70-80 सालों में विकसित किया गया कि ये पिछड़ा हुआ पाखंड मनुवादी समाजवादी पता नहीं जो जो भी आप लोगों को शब्द पता होंगे, तो उसके बीच में हमारे पास जो शब्दावली है वो है पुरुषार्थ, जिसमें चार का समूह है, धर्म अर्थ काम मोक्ष कल्याण स्वस्ति पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा। ये इसको हम संस्कृत की दृष्टि से ये हर व्यक्ति का अधिकार है, पुरुषार्थ और एष्णा की शांति ये स्टेट के द्वारा दिए जाने वाले अधिकार हैं और अनकंडीशनल अधिकार हैं। लेकिन ना हमने संविधान में कभी इस पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग किया, ना एष्णाओं का प्रयोग किया और ना ही हम कभी जो सोशल साइंसेस के नैरेटिव्स हैं उनमें कभी इनको लाने की कोशिश की, क्योंकि हम लोग तो कभी जाति और पाखंड और मनोवाद इस तरह की शब्दावली से बाहर निकले ही नहीं। तो द्वेष और आधार पर जो विकसित की गई समाज विज्ञान है उनको इन दो कॉन्सेप्ट्स के आधार पर, एषणा और पुरुषार्थ के आधार पर, संस्कृत विभाग चुनौती देता है और निश्चित रूप से उनसे असहमति की अपेक्षा भी करता है। अब जो कुछ भी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, संस्कृत विभाग प्रस्तुत करेगा कि इस पुरुषार्थ की अवधारणा और एषणा की अवधारणा के पर आधारित व्यूह रचना क्या हो, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और उसको पोर्टेंट कैसे बनाना है, इस पे हम विचार करेंगे। इस सारे मानवाधिकार की जो प्रशिक्षण विधि रहेगी वो है सबसे पहले संवेदना, फिर संस्कार और फिर अधिकार। क्योंकि आप सीधा अधिकार नहीं दे सकते, क्योंकि जो भी सीधा आप अधिकार दे देंगे बिना संस्कार किए हुए, बिना वो संवेदना सेंसिबिलिटी पैदा किए हुए, बिना रिफाइन किए हुए, तो वो उसका पॉलिटिकली जो परवर्शंस हैं, पॉलिटिकल परवर्शंस हैं, उनसे वो उसका दुष्प्रयोग ही करेगा, जैसा कि हम देखते ही हैं कि हम संविधान को, ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रयोग करते हैं, ढाल और तलवार की तरह। जब अपने ऊपर कोई आक्रमण करे तो हम उसको ढाल की तरह प्रयोग करते हैं, जब हमने दूसरों पर वार करना हो तो तलवार की तरह उसका प्रयोग करते हैं। हम संवेदनशील मनुष्य की तरह प्रयोग नहीं करते। तो अगर मानवाधिकार की संस्कृति विकसित करनी है तो निश्चित रूप से सबसे पहले सेंसिटाइज करना, सेंसिबिलिटी को पैदा करना हर प्रत्येक मनुष्य में अनकंडीशनली, वो जरूरी है। फिर उस संवेदना का संस्कार और फिर उसके बाद अधिकार। और उसके लिए जो एक आवश्यक पृष्ठभूमि है उसमें ये 9 पॉइंट्स हैं जिसको हम बाद में लेंगे, जिनकी व्याख्या करने में, कि जब मानवाधिकार की संस्कृति विकसित करनी हो तो समाज में साइकोलॉजिकल वेलबींग होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए, यूज ऑफ टाइम की सेंस होनी चाहिए, कम्युनिटी वाइटलिटी जिसे सामाजिक गतिशीलता कहते हैं, एजुकेशन होनी चाहिए, कल्चर जो है उस संस्कृति को विकसित करना होगा,
एनवायरनमेंट चाहिए, पर्यावरण चाहिए, गवर्नेंस सुशासन भी आवश्यक है, जिसका एक उदाहरण मैं जरूर आप लोगों के साथ अभी साझा करूंगा बाद में, और फिर जीवन स्तर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। और ये इसके लिए हमें कोई वेस्ट को खोजने की देखने की जरूरत नहीं है, ये आपके सारे के सारे संस्कृत साहित्य में, आप कालिदास को पढ़िए, आप बाणभट्ट को पढ़िए, कोई भी शास्त्र उठा करके पढ़िए, आपको ये 9 पॉइंट्स मिलेंगे। और सारे संस्कृत शास्त्र को, सारे साहित्य को आपको पढ़ाना भी इसी दृष्टि से चाहिए, बल्कि संस्कृत विभाग का ये निवेदन रहेगा विश्वविद्यालयों के संस्कृत विभागों से कि जो कुछ भी आप साहित्य में पढ़ाएं, कालिदास पढ़ाएं, बाणभट्ट पढ़ाएं, दशकुमार चरित पढ़ाएं, वो इन उसका सारे का सारा मूल्यांकन इन 9 आधारों पर, इन 9 कॉन्सेप्ट्स पे करना चाहिए। केवल वो एक पैराग्राफ देकर, श्लोक देकर उसका सरलार्थ करना, उसका संदर्भ सहित व्याख्या करना, ये कोई बहुत बुद्धिमत्ता वाली बातें नहीं है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो आप देखेंगे जब आप पुरुषार्थ का प्रयोग करते हैं और जो इधर ईर्ष्या का प्रयोग करते हैं, तो 30 जो आर्टिकल्स हैं और जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, वो इन सब के बीच में समा जाते हैं। और मैं बिल्कुल चुनौतीपूर्वक कहता हूं कि कोई आप फंडामेंटल राइट्स और 30 आर्टिकल्स इन पुरुषार्थ से और ईर्ष्या से बाहर दिखा दें, गिना दें या समझा दें किसी भी प्रकार से। चलिए, ये तो हुआ एक व्यापक पृष्ठभूमि। इसके बाद हम ये भी देख लें कि संस्कृत शास्त्र जो है, संस्कृत शास्त्र परंपरा, भारतीय परंपरा, वो ये भी कहती है कि जब आप ह्यूमन राइट्स कल्चर की बात करेंगे तो उसके लिए आपका आकांक्षा का स्तर भी, लेवल ऑफ एस्पिरेशन और लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इन दो के बीच में ही कल्चर ऑफ ह्यूमन राइट्स विकसित होगी। और वो कैसे पता लगेगा, जिसको हम ये कहते हैं बृहदारण्यकोपनिषद में, तदेतत् क्षत्रस्य क्षत्रं यद् धर्मः तस्मात् धर्मात् परम नास्ति अथो अबलीयान् बलीय बलीयान् समाशंसन्ते धर्मेण यथा राज्ञा एव। जिसका मतलब है, लॉ इज द रूलर ऑफ रूलर, नो वन इज सुपीरियर टू लॉ, एंड द लॉ एडेड बाय माइट ऑफ स्टेट, जिसे आप किंग कहते हैं, हालांकि यहाँ किंग शब्द गलत है, राजा का अर्थ अलग है, किंग का अर्थ अलग होता है, ये इस विषय को हम तब लेंगे जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पर हम चर्चा करेंगे। लॉ एडेड बाय द माइट ऑफ स्टेट एनेबल्स द वीक टू प्रिवेल ओवर स्ट्रॉन्ग। अब इस सारे में आप कहीं पे कोई जातिवादी बात देखते हो, मनोवादी बात देखते हो, तो जरूर आप आपत्ति आक्षेप कर सकते हैं, या पिछड़ापन इसमें देख सकते हो, कोई पाखंड देख सकते हो, तो जरूर आपका स्वागत है। ये किसी भी मानवाधिकारी समाज के मूल्यांकन करने की पद्धति है। ये अगर पृष्ठभूमि में है तो इसके आधार पर आप ये देख सकते हैं कि समाज में जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है, उसको अगर आप कैटेगराइज करना लगे, स्केलिंग करने लगे, तो आप कहीं पर भी निशान लगा सकते हैं। उसी तरह हेल्थ पर, उसी तरह यूज ऑफ टाइम पर आप अगर लगाते चले जाएंगे निशान, और उन सभी पॉइंट्स को जब आपस में जोड़ देंगे, तो वो कुल मिलाकर के आपके मानवाधिकार की संस्कृति को परिभाषित करेगा। और जो अंदर का क्षेत्र है, वो आपका मानवाधिकार की संस्कृति के विकास की सीमा को बताएगा, और जो उस बिंदु से बाहर है, पॉइंट से बाहर का जितना भी एरिया होगा, वो सारा का सारा क्या होगा, वो उसको, वो अभीष्ट है, वो प्राप्त करने की हमें अपेक्षा है, उसके लिए हमें प्रयत्न करने होंगे। कुल मिलाकर के अब जो आप लोगों के साथ मैं साझा करना चाहता हूँ, वो ये है कि इस मानवाधिकार का जो फॉर्मेट है, प्रारूप है, मॉडल है, वो क्या है। तो सबसे पहले तो यही हमें स्वीकार करना होगा कि सभी मनुष्य, भारतीय परंपरा की दृष्टि से कह रहा हूं कि सभी मनुष्य चेतन ब्रह्म की अभिव्यक्ति हैं। अगर आप ब्रह्म को ब्रह्मा मत समझ लीजिएगा, जैसा कि अक्सर अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर करना ही नहीं जानते। सभी मनुष्य चेतन की अभिव्यक्ति हैं, अतः उनका अस्तित्व है। तो सबसे पहले हमें उनकी एग्जिस्टेंस को, उनके बीइंग को स्वीकार करना है। वे सभी मनुष्य 3 प्राकृतिक ईर्ष्या, पुत्र, वित्त और यश, तो प्रोजनी, मनी
और यश जो एक्नॉलेजमेंट है, सोसाइटी में मिलने वाले जो सम्मान है, उससे व्यवहार युक्त होते हुए जीवन पर्यंत अपने होने, अपनी भवती अस्मिता, ये संस्कृत के शब्द हैं, बिकमिंग आप कह लेंगे तो थोड़ा सा अंग्रेजी के माध्यम से समझ आने में आसानी हो जाएगी। तो जीवन पर्यंत अपने होने की सार्थकता और सफलता की सिद्धि के लिए सभी राष्ट्रों समाजों द्वारा निश्चित एवं निर्बाध रूप से स्वीकृत अधिकार पाने की पात्रता रखते हैं। ये आपके जितने धर्मशास्त्र हैं, जितने आपके साहित्य हैं, वो सारे के सारे इस बात को स्वीकार करते हैं, वो कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। लेकिन हम ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, वो देखो जी वहां लिखा हुआ है कि वो डिस्क्रिमिनेशन करते, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते उस बात को भी तो कहने का साहस रखें। क्योंकि सभी राष्ट्र निरपवाद रूप से सभी प्राणियों को समान रूप से वैसे ही धारण करते हैं जैसे सभी प्राणियों को धरती बिना भेदभाव के ऊंच नीच के धारण करती है। और उसका मनुस्मृति में ये कथन है कि यथा सर्वाणि भूतानि धरा धारयते समम तथा सर्वाणि भूतानि बिभ्रता पार्थिवम व्रतम। और फिर साथ ही साथ ऋग्वेद में भी ये कहा गया है, अज्येष्ठासो अकनिष्ठासो एते संभ्रात्रो वा वृद्धुः सौभागाय। लेकिन हम ये बातें कभी लाएंगे नहीं, हम तो केवल उसमें जाति ढूंढ के लाएंगे, नारी को स्त्री को ढूंढ के लाएंगे कि उन पे अत्याचार हो गए। इसी का तो अगला भाग है, इसी को पूरा करते हैं इस मॉडल को। हम सभी के लिए सुख चाहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी के लिए स्वास्थ्य चाहते हैं, सर्वे संतु निरामया। हम सभी के लिए समान मंत्र और समान समिति, मन और चित चाहते हैं, समानो मंत्र समिति ही समानी, समानम मनः समानम चित्तमेषां। अतः वे सभी मनुष्य जो बुभुक्षा, भय, जिज्ञासा और सौंदर्य के प्राकृतिक भावों से युक्त समान रूप से हों, वे सभी धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए मर्यादित या संस्कारित स्वतंत्रता से अधिकारी हैं। उन्हें सभी राष्ट्र इस तथ्य के लिए निरपवाद रूप से अभय प्रदान करें ताकि भविष्य में मनुष्यता उस स्तर को प्राप्त कर सके जिसकी कल्पना हमारे धर्म शास्त्रकारों ने इस रूप में की है, एक ऐसी स्वतः स्फूर्त व्यवस्था जिसमें सभी जन स्वतंत्र होकर निरपराध और निर्भय जीवन यापन अखंड व्यक्तित्व सहित कर सकें, जहां न राज्य हो, न राजा हो, न दंड व्यवस्था हो और न ही दंड देने वाला हो। नैव राज्यम न राजा सीन दंड्यो न च दांडिका, धर्मे नै प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। तो कुल मिलाकर के ये संस्कृत शास्त्र आधारित भारतीय परंपरा का मानवाधिकार का एक प्रारूप है जो कि एक वैकल्प के रूप में आप लोगों के साथ संस्कृत विभाग ने साझा किया है। अब इसको स्थापित करने वाला, इफेक्टिव बनाने वाला, प्रभावी करने वाला एक आख्यान और आप देख लीजिए और फिर हम अपनी बात को यहीं पूरा करेंगे, विराम देंगे। तो गुड गवर्नेंस जो है वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो ह्यूमन राइट्स की कल्चर को स्थापित करने में होगा, जिसका एक अनुमान, जिसका एक प्रारूप हमें छांदोग्य उपनिषद के अश्वपति, राजा अश्वपति के आख्यान में मिलता है। वो क्या कहते हैं, घोषणा करते हैं, और संस्कृत विभाग चुनौती पूर्वक आप लोगों से ये जानना चाहेगा कि क्या कोई 152 जो देश हैं, लगभग 200 के करीब जो देश हैं इस वक्त दुनिया भर में, कोई देश ऐसी कोई घोषणा कर सकता है या यूएनओ ही कम से कम ऐसी कोई घोषणा कर सकता। तो वो घोषणा क्या है, न मे स्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपाह नाना हिताग्निर ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुता। अर्थात मेरे जनपद में न तो कोई चोर है, न कुत्सित बुरा व्यवहार, अनुचित व्यवहार, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करने वाला है, न मद्यपाई है, न कोई ऐसा गृहस्थी जिसके अग्नि स्थापित ना हो। अग्नि स्थापित होने का मतलब है खाने पीने की कोई कमी ना हो, भूख और भय जिसके घर में ना हो, अभाव हो भूख और भय का, अर्थात हर तरह की सुख सुविधा उसके पास है। न कोई अविद्वान है, न स्वेच्छाचारी पुरुष है, तो स्वेच्छाचार करने वाली स्त्री कहाँ होगी। अब स्वेच्छाचार को अगर आप स्वतंत्रता के साथ मिलाने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए तो
कोई उचित शब्द नहीं है कि ऐसा जो है वो नहीं करना चाहिए। स्वेच्छाचारिता और स्वतंत्रता दो नितांत भिन्न कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणाएं हैं, तो कहीं पर ऐसा ना हो कि आप अपनी फ्रीडम के चक्कर में जो है वो स्वेच्छाचारिता को फ्रीडम मान लें, ऐसा ना करें। तो ये कुल मिलाकर के आप लोगों के साथ संस्कृत विभाग की ओर से ये एक प्रस्तुति थी, जहां हमारा प्रयास है कि किसी तरह से सोशल साइंसेस को डीकॉलोनाइज करें, औपनिवेशिकता से मुक्त करके उसे भारतीय संदर्भों में, भारतीय अवधारणाओं में, भारतीय परिभाषाओं में और भारतीय उदाहरणों से हम उसको पुनः संरचना, उसकी संरचना करें, उसका पुनः निर्माण करें और उसमें जो करेक्शंस करने वाली हैं उनको हम लाएं और एक बार भारतीय हो करके हम समाज विज्ञान को पुनः विकसित करें। तो आप सबका सुनने के लिए धन्यवाद, और यदि आपके कोई ऑब्जेक्शंस हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, तो वो आप अपने YouTube के ऊपर हमारे साथ साझा कर सकते हैं, दे सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, आप वो आपकी अपनी इच्छा है। तो संस्कृत विभाग उस सारे का आपका स्वागत करेगा, और अगर संभव होगा तो उसके लिए आप लोगों को उसका प्रत्युत्तर भी देने का प्रयास करेगा। तो जल्दी ही आप लोगों के साथ हम दोबारा मिलेंगे एक नए विषय को लेकर के, और उस पे फिर आप लोगों की टिप्पणियां अपेक्षित रहेंगी। तो धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार।